नमस्कार फैक्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारा एंटरटेनमेंट। दोस्तों एंटरटेनमेंट इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में अगर कुछ भी डिस्कशन हो रहा हो हमारे लिए तो ये एंटरटेनमेंट ही होता है। कभी ये भारत की तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं तो कभी कुछ भी बकवास करते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें बड़ा मजा आता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का कंपैरिजन पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को से करेंगे, और इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है ये जानते हैं। इंडिया की जो इसरो है पाकिस्तान की स्पार्को से 9 साल बाद बनी, ठीक है, 9 साल बाद स्टार्ट हुई। तो मेरा सवाल ये है, लोग कहते हैं कि वो हमसे 40 साल आगे है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? पर्सनली तो मेरा यही ख्याल है कि उनकी ऑब्वियसली गिवन द साइज जो इतना उनका है सारा, तो ऑब्वियसली उनकी एडवर्टीजमेंट वगैरह भी ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने अभी एक मिशन किया है अपना विच टर्न आउट थोड़ा सा फेल्ड मिशन हुआ था, लेकिन एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। हमारे एंड से कोई अभी एज सच कोई इस तरह की हमने कभी खबर नहीं सुनी कि कोई आई है, लेकिन अभी ये फवाद चौधरी ने रिसेंटली काफ़ी इस बार मामले पर कहा है कि हम लोग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, रिसर्च भी हो रही है और होनी चाहिए। इसी तरह ही आगे का सिलसिला चलता है और सारा जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप लोग एजुकेट करेंगे उसी उतना ही आगे चलेगा। दुनिया काफ़ी आगे इस मामले में ऑलरेडी जा चुकी है, हम लोग ऑलरेडी लैग कर रहे हैं। जो इंडिया के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी की टर्म है उसमें वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो लोग कोई स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप गेन करता है तो वो सारा उनकी गवर्नमेंट खुद से उनका एक्सपेंडिचर जो है वो सारा बियर करती है, लेकिन पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को जो है वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो फौरी तौर पर रिसर्च पर जाने की बजाय जॉब सीकिंग की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो उनके स्टूडेंट्स ज़्यादा आगे चले जाते हैं, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बेसिकली बात सब प्रायोरिटीज़ की होती है कि उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया कि हम जो है इस फील्ड के अंदर हम जो है वो फ्लरिश करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि स्पार्को जो है वो काफ़ी पहले से जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसरो बहुत ही ज़्यादा वो बैकवर्ड है, और मतलब इसे इतना कंसीडर नहीं किया जा रहा। इसमें ये है कि फंड्स का भी इशू है कि गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, फंड्स वगैरह प्रॉपर एलोकेट नहीं कर रही। जैसा कि इसरो का आपने एग्जाम्पल दी, उन्होंने वो उसे कहते हैं मिशन मंगल, उन्होंने जिस तरह का किया था मार्स के ऊपर, उन्होंने जो अपना स्पेस शटल है वो भिजवाया था, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ही पूरी वर्ल्ड में, वो मतलब कोई भी अचीव नहीं कर पाया था। तो प्रायोरिटीज़ की बात है, हमारे अपने इतने ज़्यादा मतलब इश्यूज़ और इतने ज़्यादा मतलब बजट को लेकर रिलेटेड हमारे यहाँ पर जो लोकल हैं बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, जिसकी वजह से इतना एलोकेट नहीं कर पाती गवर्नमेंट बजट। अगर करे और इस तरह तवज्जो दे तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो बेसिकली अपने पोलिटिकल पार्टी अपने मुल्क के बारे में सोच रही होती है, यहाँ पर हमारे जो जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कभी भी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच रही, जिसकी वजह से वो उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सेटल हैं कि हमने अपने 20 साल बाद 25 साल बाद अपने मुल्क को कहाँ लेके जाना है। डेट्स वाई वो अपने आप को इसी हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या मसला है, हम अभी रोटी कपड़ा मकान के चक्कर से बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, हमारे जहाँ पे एजुकेशन है, अब अगर एजुकेशन उनकी तरफ देखे जाए तो उनकी एजुकेशन हमसे मच बेटर है, हमारे यहाँ पे तो एजुकेशन का कोई मियार भी नहीं है, डबल स्टैंडर्ड हम एजुकेशन पे चल रहे हैं। वो आगे इसलिए कि अगर हम अपना हमारे हर साल का होता है बजट एक, कि हमने इस चीज़ को एजुकेशन में इतना देना है, आर्मी में इतना देना है, जो अगर मैं इंडिया की बात करूँ उन्होंने अपनी हर वो ज़्यादातर पैसे ये एजुकेशन पे लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे लगा रहे हैं, वो इन चीज़ों पे लगा रहे हैं कि जिससे जो हमारा मुल्क या कंट्री है वो ग्रो करती है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में ज़्यादातर बजट चला गया फौज को चला गया, और हम लोग कुछ कहें, हमारे यहाँ पे अगर इस साल का बजट देखें तो मेरा ख्याल था कि 2.5, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ कि नहीं, वो बजट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को दिया गया था, और बाकी पिछले साल की नस्बत इस साल डबल से ट्रिपल बजट जो हमारी फ़ौज थी उसको दी। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ौज को ज़्यादा को दिया, क्यों ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि यार जब तक एक हमारी एजुकेशन नहीं बेटर होगी ना तो हम लोग एजुकेशन बेटर नहीं होगी, लोग ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल सकता। सबसे बेसिक अगर ये हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो एजुकेशन के अंदर जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे आज के दौर पे जो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, आज जो हमारा सारा दौर है वो 40 ही पे रहा है, जब तक ये ज़्यादा तवज्जो हमारी इन चीज़ों पर नहीं देगी ना, टेक्नोलॉजी वगैरह पे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग आगे जा सकते हैं। मेरी राय है कि इंडिया का जो है वो अपना बजट को कंट्रोल करते हैं और वो अलग अलग चीज़ों को तवज्जो देते हैं, उनका बजट
अलग अलग चीज़ों पे जाता है। ये हमारी थोड़ी सी वीकनेस है कि हम पाकिस्तान में अपने बजट को इस तरह कंट्रोल नहीं करते और इस पर्टिकुलर चीज़ को तवज्जो नहीं देते। हमने अभी तक एक भी रॉकेट नहीं बनाया, और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपने रॉकेट जो हैं ख़ुद तो अपने सैटेलाइट्स अपने रॉकेट के थ्रू भेजते ही भेजते हैं, लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज़ के भी जो सैटेलाइट्स हैं वो भी अपने रॉकेट के थ्रू भेजते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये, और जिनसे उनकी इकॉनमी और फॉरेक्स रिज़र्व बेहतर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने जो है इकॉनमी पे भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो सवाल ये है कि क्या हम भी कभी अपना अपने रॉकेट्स बना पाएंगे? जी बिल्कुल बना पाएंगे, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सबसे पहले जब वो अपने साइंटिस्ट और जो रिसर्च उनके स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, रिसर्च होगी तो वो पाकिस्तान आगे जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे जाए। बिल्कुल बना पाएंगे, देखें ना जी उनकी इकॉनमी हमारे से बेहतर है, अभी उनका GDP बेहतर है, ठीक है, उनके पास आपका जितना एक्स्ट्रा आपके पास रिजर्व्स होते हैं आप तभी इस तरह के मिशंस वगैरह कैरी आउट कर सकते हैं। हमारी अभी अटेंशन जो कि राइटली सो है वो हमारी डिफरेंट किस्म की नीड्स पे है, एजुकेशन पे है, इस तरह की चीज़ों पे है, वो इस फेज से गुजर चुके हुए हैं, तो अब हम इस फेज पे सही जा रहे हैं। अगला फेज़ यही होता है, जब आप एक दफ़ा ग्राउंड वर्क आपका सही हो जाए तो आप इन मिशंस पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखें आगे जाके सैटेलाइट इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। अभी हमें ऑब्वियसली चाइना की वजह से काफ़ी हेल्प है इन चीज़ों की, तो हमें आई पर्सनली थिंक काफ़ी ज़्यादा और इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई ऐसा आए कि वो बना पाए और मतलब इस मुल्क को एक बैलेंस और तरीके से चला पाए तो मे भी ये मुल्क तरक्की की राह पे जा सकता है और ये काम कर सकता है। इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं बना पाएंगे। देखें हम एक एटॉमिक फोर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमने एक एटॉमिक पावर हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और उनसे पहले के एटॉमिक पावर हैं हम, इंशाल्लाह हम बना पाएंगे। और हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर रॉकेट के हवाले से वो इंशाल्लाह हम दूर होगी। ठीक है, अगेन मैं यही कहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन में मज़ीद प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए। डेफिनेटली हम बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज़ डैट कि हम लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं। रिसोर्सेज क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उस पर वर्क ही नहीं किया हुआ। हमारे यहाँ पे लोग जो क्या कहते हैं एजुकेशन लेते हैं वो बाहर जाके बैठ जाते हैं, हम लोगों ने कभी भी इन लोगों को ऐसा नहीं किया कि वो यहाँ पे आके काम करें। इंडिया में इस वक्त गूगल को आया कितना अर्सा हो गया हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं पेपाल वहाँ पे चलता है, पाकिस्तान में आज तक पेपाल नहीं चल सका। हम ऑनलाइन शॉपिंग पे नहीं जा सके तो हम क्या रॉकेट कैसे बना लेंगे। पहली बात ये कि हम अपने आप को उस माहौल में तो लेके हैं ना, पेपाल अमेज़ोन पर दुनिया जहाँ की सारी शॉपिंग हो रही है, यहाँ पर पेपाल चलता ही नहीं है। ठीक है, ये देखें डिपेंड करता है कि टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे जो हमारे लोकल यहाँ के जो हमारे साइंटिस्ट और जितने भी हमारे लाइक वो नासा में जाके वर्किंग कर रहे हैं, अगर वो अपने मुल्क को वापस आके यहाँ पे सर्व करना चाहेंगे और उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए भी। देखा जाए अगर बजट की बात की जाए तो इंडिया का जो इसरो पे बजट है वो $1.5 बिलियन है, और पाकिस्तान का जो स्पार्को पे बजट है वो $30 मिलियन का है। तो आपको क्या लगता है कि हमें अपने इदारों पे काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखे ना इस पे आप खुद आपने खुद ही जिस तरह मेंशन किया, मुझे पर्सनली इतना आइडिया नहीं था बजट्स का, लेकिन आपने खुद मेंशन किया इन बजट्स का, तो आप खुद देख लें कि डिफरेंस आपके सामने है। उन्होंने किस किस्म की इन्वेस्टमेंट की है, $1 बिलियन में है, हम लोग $30 मिलियन फॉर इस तरह के मिशन के लिए इज़ नॉट इनफ। ऑब्वियसली हमें बिल्कुल ज़्यादा इस पर करना चाहिए, हमें अपने इदारों पर इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, उसी के बाद तो वो कुछ कर पाएंगे। अगर उनके पास इतना होगा ही नहीं तो वो कहाँ से करेंगे। इसलिए करप्शन तो पाकिस्तान का एक बहुत ही मेजर पार्ट है, और अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो आप देखें जितने भी साइंटिस्ट हैं वो पाकिस्तान के ज़्यादा हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में देख लें इंडिया की निस्बत पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने खुद से पे करके पढ़े हैं उनकी जो है मेरे ख्याल से 5-3 रेशोज़ है। अगर इंडिया के 3 हैं तो पाकिस्तान के 5 रेशोज़ उनसे अपर हैं। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान उनको प्रमोट करेगा तो इस रिसर्च पर काम होगा और इसी तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हेंस हो सकती है। डेफिनेटली इसमें बजट का भी होगा, हमें अपने पाकिस्तान में बहरहाल बजट हमारा फोर्स का हमारी आर्मी का बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो जिन जगहों पे बजट की कमी है वहाँ पे बजट मज़ीद लगाना चाहिए हमें, ये भी एक फैक्टर है मैं समझता हूँ। और एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो बजट भी है मेरा ख्याल है, तो इसको हम और कुछ नहीं तो इसको डबल तो करें ना जी। सही बात है, हमें इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाएंगे, वरना हम लोगों को मतलब पीछे से पीछे जा रहे हैं। और वैसे भी कोरोना की वजह से अभी इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि एक साल के अंदर अंदर और सारी चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हुई हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस फील्ड पे काम करना, लेकिन करना तो चाहिए। बिल्कुल ज़रूरत है, जब तक अगर हम एक चीज़ सारी जैसे आपने कहा कि वो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, अब सारी बात है वो लोग भी इन्वेस्ट करके पहुँचे ना। मैं फिर वही कि अगर हम लोग जब तक
इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे इन चीज़ों पे। हम लोग को लगता है चीज़ें फजूल हैं ये, पर नहीं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची और हम लोग अभी तक यहीं पे करें। दुनिया ने इतनी इतनी चीज़ें बना ली हैं, मतलब कि बाइक्स दूसरी निकल रही हैं जो पेट्रोल के बगैर चल रही हैं, ठीक है, और हम लोग अभी इन्हीं चीज़ों पर घूम रहे हैं। ऐसे तो कंट्रीज नहीं चलती ना। डेफिनेटली हमें बहुत ज़रूरत है अपने इदारों पर इन्वेस्ट करने की। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हम जब तक अपने इदारों पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। इदारों में नॉट ओनली कि आपकी आर्म फोर्सेज ही हैं, उसके अलावा आपके और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आप अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही बंदे निकालेंगे तो ही वो रिकॉर्ड बनाएंगे ना आगे, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों पर अगर इन्वेस्ट करेंगे डेफिनेटली देन हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से कंपेरिजन मुझे नहीं लगता कि एक लाइक प्रॉपर एलोकेटेड होगा। कंपैरिजन अगर किया जाए तो इंडिया की इकोनॉमी हमसे नो डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। हमारा बजट जो है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत कम है, और लाइक हमारा जो 70% जो बजट है वो डिफेंस में चला जाता है, तो इतना हमारे पास बचता ही नहीं कि हम अपना जो जो कह लें कि साइड इस तरह के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इस पर हम जो अपना बजट लगा सकें। लेकिन प्रायोरिटीज़ की बात है, अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ गवर्नमेंट को एक फ्रंट फुट पर आके थोड़ा प्ले करना पड़ेगा और जो है बजट थोड़ा एलोकेट करें। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल करेंगे, साइंटिस्ट हमारे इतने कैपेबल हैं कि वो कर सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम लोग अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम लोग अब सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के अंदर करें, लेकिन हमारा इसके तरफ कोई रुझान ही नहीं है कि जी हम लोग इसको कोई अपडेट कर सकें, कोई इसके अंदर कोई अच्छी सी डेवलपमेंट लेकर आ सकें। लेकिन हम लोग जहाँ तक आपका क्वेश्चन का है कि जी बजट बनाने का, बजट हमारे पाकिस्तान में मुश्किल है कि बन सके, क्योंकि बजट हम लोग अभी अपने एम्प्लॉयमेंट को देख लें, अगर हम लोग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम लोग उसको ही बड़ा मुश्किल से हैंडल कर पा रहे हैं। तो ये तो फिर स्पेसिंग है, ये तो फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद आप ये देख लें उसके हमें सर्चिंग की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता, काफ़ी मुश्किल है जो आप क्वेश्चन कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी वहीं पर है जो आज से कम्पीट कर पाएगा इस फील्ड में इंडिया को, बहुत मुश्किल है। अगर पाकिस्तान किसी दूसरी कंट्रीज के साथ स्टैंड बाय होता है, उसके साथ शेक हैंड करता है, देन इसके साथ कम्पीट कर सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कोई भी टॉपिक तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उधर जाकर मुझे सवाल और टॉपिक दोनों सजेस्ट कर सकते हैं। अल्लाह के बाद।